हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अभी हो रहे हैं 10:30। और चलिए, मैं सब काम ख़त्म कर चुकी हूँ। ब्लॉग थोड़ा लेट से स्टार्ट करी आज। नाश्ता पानी सब ख़त्म हो चुका है और मेरा चावल भी पक चुका है। थोड़ा मैंने पैन चढ़ा दिया है, इसमें ऑयल भी डाल दी हूँ मैं। इसमें भिंडी को काट के रखी हूँ मैं। इसको ना करी डालकर बनाऊंगी मैं। आज एक नई रेसिपी बनाऊंगी, बहुत अच्छी लगती है। बाकी मैं कभी कभार बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। तो चलिए आज बनाते हैं भिंडी करील की सब्ज़ी। तो देखिए, मैंने अच्छे से भिंडी को काट लिया है छोटी छोटी पीसों में, क्योंकि अब कीड़े वड़े लगते हैं। बरसात के मौसम में थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है, तो अच्छे से देख कर काटी हूँ मैं। पूरा टुकड़ा टुकड़ा कर दी हूँ, छोटा छोटा पीस। अभी बरसात मैंने सबको थोड़ा कीड़े वीड़े लगते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है भाजी वजी साग सब्जी सब कुछ। और भिंडी के बीज भी इसमें रहते हैं, दिखाई नहीं पड़ता है अच्छे से ना काटे तो अच्छे से चेक करके मैं छोटे छोटे पीस में काट ली हूँ। और इसको फ्राई कर दे रही हूँ। अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे इसको। और उसके बाद थोड़ा सा सरसों का मसाला, लहसुन मिर्च डाल के पीसेंगे और उसमें करील डालकर बनाएंगे। चलिए बताती हूँ मैं किस तरह से बनाऊंगी। और दाल भी नहीं चढ़ाई हूँ अभी। आज थोड़ा ब्लॉगिंग स्टार्ट करने में थोड़ा लेट भी हो गया, कभी कभार लेट भी हो जाता है। तो चलिए खाना बनाते बनाते बात करते भी हैं। और देखिए, मैंने ग्राइंडर कप में मसाले को मैंने डाल दिया है। और सरसों का थोड़ा फूलने से अच्छा होता है, तो मैं फूलने के लिए डाल दी हूँ सरसों, लहसुन, मिर्च को। और सबको ग्राइंडर में ही लगा दी हूँ, ग्राइंड नहीं की हूँ। और इधर भिंडी फ्राई हो रहा है, इधर मेरा चावल भी पक चुका है। और बनाऊँगी मैं दाल, उसमें आलू को पका लूँगी दाल के साथ और उसको बनाऊँगी मैं। आज दिखाऊँगी टेस्टी टेस्टी सब्ज़ी। आज मूड है इस तरह का थोड़े अलग से बनाने के लिए। चलिए बनाते हैं सब्ज़ी। भिंडी फ्राई हो रहा है गैस में, मैं अलग कर दी इसको। फ्राई हो गया है भिंडी, और इधर मैं दाल चढ़ा रही हूँ। इसमें डालेंगे आलू, आलू को मैं छिलकर दाल में डाल दूँगी। और आज अलग तरह की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं, आपको बता रही थी। आलू का ना, आप हमेशा तो आग नहीं जलाते हैं, चूल्हे में भूनना अच्छा रहता है। बाकी उबाल कर भी आप उस तरह की डिश बना सकते हैं। आलू को आप उबाल लीजिए अच्छे से, और उसमें ना थोड़ा सा हरी वाली मिर्च, नमक और प्याज का टुकड़ा और नींबू डाल दें उसमें, और थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल डाल दें। तो उसमें सरसों तेल का इस्तेमाल बहुत अच्छा आता है और बहुत अच्छा भरता बनता है आलू का। इस तरह से बनाऊंगी आज मैं, आपको दिखाऊंगी। आलू का भरता बनाएंगे नींबू सरसों तेल प्याज डालकर, और भिंडी और करील बनाएंगे। चलिए, वही वही सब्जी खाकर पूरा बोर लग गया है, तो आज पूरे अलग से बनाती हूँ सब्जी में। और भिंडी थोड़ी सी ही थी, ज़्यादा नहीं थी, सोची किस चीज़ में मिलाकर इसको बनाऊँ तो याद आ गया थोड़ा सा करील डालकर बनाऊँ। ये आलू को छील दे रही हूँ, फिर अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे और उसके बाद बनेंगे दाल के साथ पकाऊंगी। अलग से नहीं पकाना है मेरे को, इसमें आप टाइम की भी बचत कर सकते हैं। इस तरह से पहले से सोच लें सब्जी में, एक एक दिन कैसे करती हूँ कि चावल दाल पक जाता है, फिर सोचती हूँ क्या सब्जी बनाऊँ, तो फिर बाद में याद आता है अगर दाल में मैं आलू उबाल दी होती तो ये वाली सब्जी बनाती, वो वाली सब्जी बनाती। तो इसलिए एक एक दिन फुर्सत से सोचती हूँ पहले क्या बनाऊँ, फिर बनाना स्टार्ट करती हूँ। और एक एक दिन सोचती हूँ चावल दाल हो जाए फिर सोचूँगी, तो उसमें खुद का ही घाटा है, ज़्यादा टाइम लगता है। पहले सोच लें और फिर बनाएँ, तो टाइम की बचत है, गैस की भी बचत है। कर दूंगी मैं आलू को और डाल दूंगी। इसके
के पापा नहीं हैं, हम ही लोग हैं, माँ बेटी और मेरी सासू माँ। तो चलिए दाल पकती रहे, मैं करी लाती हूँ और थोड़ा सा मसाला भी ग्राइंड करेंगे। लाइट गोल हो गया था बीच में और सरसों थोड़ा खोलने से भी अच्छा रहता है। लाती हूँ मैं करी को पहले। देखिए ले आई मैं करी और इसको पानी में भिगो दी हूँ, अच्छे से धोकर बनाएंगे। और देखिए बहुत अच्छा करी था, और देखिए छोटा छोटा वाला करी। और इधर मैं मसाला को ग्राइंड कर लूँगी। और देखिए सरसों लहसुन और मिर्च ग्राइंड हो गई। सरसों का मसाला बोल रही हूँ मैं, इसको हम लोग उड़िया में बेसार बोलते हैं, सरसों का बेसार बोलते हैं। और बहुत अच्छी लगती है भिंडी में इस तरह से सरसों पीस कर डालने से। तो चलिए मैंने कढ़ाई चढ़ा लिया है, देखिए टमाटर डालने के लिए भी काट ली हूँ। और उसके बाद करी को भी धोकर निचोड़ ली हूँ। तैयार हो गए टमाटर और करी, चलिए बनाते हैं। सारे मसालों को नहीं डालना है, थोड़ा ही डालेंगे। और सरसों का मसाला ज़्यादा फ्राई नहीं कर देंगे, उसमें कड़वापन आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा फ्राई करेंगे। पहले टमाटर को डाल दूँ और उसके बाद सरसों का मसाला डाल दूँ, उसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा अच्छे से पकाना है। सरसों मसाले वाली सब्ज़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, ये सब मसालों से भी अच्छे से आप पकाएं, अच्छे से बनाएं तो ज़्यादा फ्राई ना करें, कड़वा लगता है। इसमें बहुत अच्छी टेस्ट की सब्ज़ी बनती है। मैं तो नहीं खाती थी सरसों मसाला वाला ज़्यादा सब्ज़ी पहले, जब मेरी बड़ी वाली बेटी यानी कि नीमा हुई तो बस इसी मसाले का सब्ज़ी देते थे। बड़ी बनाते थे तो भी बस बड़ी बना देते सरसों का मसाला डालकर, और बस कुंदरू बना देते सरसों का मसाला डालकर, और बहुत ज़्यादा भूख भी लगता था तो ना मेरे को बहुत अच्छी लगती थी वो सब्ज़ी। तो मैं उतना दिन से खाना मेरे को अच्छा लगा सरसों मसाला वाला सब्ज़ी, नहीं तो मैं पहले नहीं। एक एक टाइम रहता है किस चीज़ को नहीं खाते हैं, किस चीज़ को खाते हैं, कब पसंद आ जाता है। और क्या हुआ मेरे साथ, मैं बड़ी कभी नहीं खाती थी, कोमड़ा वाला बड़ी जब शादी नहीं हुआ था मेरा, तो मैं कोमड़ा बड़ी वाला सब्ज़ी, जिस सब्ज़ी में ना कोमड़ा बड़ी लगता था मैं बिल्कुल खाती ही नहीं थी, वो सब्ज़ी मेरे को अच्छा नहीं लगता था। तो जब मैं यहाँ शादी करके आई तो यहाँ मैं बना रही थी, मेरे को अच्छा नहीं लगता था, मेरे को पसंद ही नहीं था कोमड़ा बड़ी।
जब नीमा हुई ना तो बस बड़ी का ही सब्जी दे देते चावल दाल और बड़ी का सब्जी बस दे देते इसी में खाना पड़ेगा तेरे को बोलते थे। मजबूरी में मेरे को खाना पड़ता था पहले पहले। और जब बच्ची बड़ी हो जाती है ना तो ज़्यादा दूध पीने लगती है तो माँ को ज़्यादा भूख लगता है। तो जब ज़्यादा भूख लगने लगा तो वही बड़ी मेरे को अच्छी लगने लगी और मैं फिर बड़ी खाने लगी। नहीं तो मैं पहले बड़ी का सब्जी नहीं खाती थी। और मैं आपसे थोड़ा बात शेयर करूँगी। मेरे जब मेरी बेटियाँ हुई है उतना टाइम का बात है तो चलो पहले बना लेते हैं सब्जी उसके बाद मैं शेयर करूँगी। कितना तकलीफ में दिन कटा है मेरा। और जो जिस चीज़ को आप खाते भी नहीं हैं वो चीज़ को खाना पड़ता था। कितनी मजबूरी थी वो टाइम और इतना तकलीफ में दिन कट रहा था क्या बताऊँ। मेरे को बिल्कुल बड़ी पसंद ही नहीं था। बस बड़ी में ही खाना देते थे सुबह कुछ नहीं बस बिना शक्कर का चाय एकदम थोड़ा सा शक्कर का चाय एकदम ठंडा चाय देते थे। बच्चे के मुंह में साड़ी आ जाएगा छाला पड़ जाएगा बच्चे के मुंह में। गरम वाला नहीं खाते हैं बोलते थे एकदम पानी जैसा चाय और बिना शक्कर का देते थे उसको पीने के लिए देते थे। और सूखी वाली रोटी एक या दो ठो देते थे और फिर 12 बजे भात खाने को देते थे। दो भी बड़ी की सब्जी में या तो कभी सहजन का साग कभी बड़ी और कभी कुंदरू इतना है सब्जी देते थे और उसी में खाना पड़ता था। एक ही तो सब्जी दाल और चावल देते थे तो उसी में मजबूरी में मेरे को खाना पड़ता था। और वो बोलते हैं ना जब भूख लगती है तो घास फूस भी खा लेते हैं आदमी उसी तरह का है। बिना पसंद का चीज़ भी मैं खा लेती थी। और देखिए मेरे मसाला और टमाटर लगभग पक चुके हैं और करील को मैं बिना फ्राई करे धोकर डाल दे रही हूँ। आप चाहें तो फ्राई करके भी डाल सकते हैं पर कोई मतलब का नहीं है फ्राई करना ना करना करील को मेरे को ऐसा लगता है। और चलिए वो पकता रहे थोड़ा सा और बात करते हैं हम लोग मेरे जचकी के टाइम में हम लोग क्या क्या कैसे सफ़र काटी थी। मैं जब जचकी का पहला दिन होता है उससे 3 दिन के बाद खाना देते हैं। 3 दिन तक कुछ नहीं देते हैं खाने वाने के लिए 3 दिन ऐसे ही रहना पड़ता है। उसके बाद देंगे तो भी सादा दाल चावल और बड़ी या कुंदरू या तो कुछ सहजन की भाजी इस तरह के चीज़ें देते थे खाने के लिए। और वो सब चीज़ मैं नहीं खाती थी मजबूरी में खाना पड़ता था उस टाइम। तो चलो थोड़ा सा सब्जी को देख लेते हैं पका या नहीं पका है और उसके बाद फिर बात करेंगे। देखिए मेरा मसाला और टमाटर पक चुका है अच्छे से और देखिए करील को मैं डाल दी और आप करील को फ्राई करके भी डाल सकते हैं कच्चा भी डाल सकते हैं बताई मैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें पक जाएगा इसके साथ। और बहुत अच्छी लगती है इस तरह की सब्ज़ी आप भी बनाकर देखना। और देखिए करील अच्छे से मिक्स हो गई। अब भिंडी को डाल देंगे फ्राई किया हुआ भिंडी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें पानी डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा उबलने के बाद फिर भिंडी और करील की सब्ज़ी तैयार। देखिए स्वाद अनुसार नमक डाल दी मैं और थोड़ी सी पकने के लिए छोड़ दी और इसके बाद देखिए तुरंत बन जाती है तैयार हो गया मेरी सब्जी। चावल के साथ परोसे हैं बहुत ही अच्छी लगती है इसी वाली सब्जी और इस मौसम में ये बहुत अच्छी लगती है। अभी इस मौसम के लिए सब रखे रहते हैं घर में स्टोर करके बड़ी करी हम लोग रखे रहते हैं इस तरह की सब्जी बनाने के लिए। और देखिए दाल भी हमारा पक गया इसमें मैं आलू डाल दी थी भरता बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा गैस निकला नहीं है निकल चुका कोली में। और देखिए कुकर के साइड में जो दाल लगी रहती है ना तुरंत ढक्कन निकालती है उसको हिला दें धोते वक्त ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है प्रेशर कुकर जल्दी ही साफ़ हो जाता है। और देखिए दाल थोड़ा सा हिलाने के बाद प्रेशर कुकर साफ़ हो गया जो साइड में लगी रहती है दालें वो सूख जाती है। और देखिए आलू भी अच्छे से पक गए हैं इस तरह से चाकू की सहायता से सारे आलू निकाल लेंगे हम लोग। 2 सीटी लगाई थी मैं अच्छे से आलू भी पक गया है और दाल भी पक चुका है और दाल को कर लेंगे फ्राई और उसके बाद हम लोग बाद में करेंगे आलू का भरता खाते वक्त क्योंकि उसमें प्याज और नींबू डालूंगी तो प्याज ज़्यादा कट कर रहने से ज़्यादा लेट स्मेल आता है इसलिए खाते वक्त बनाऊंगी आलू का भरता। और ये दाल फ्राई करने के लिए मैं चढ़ा दी हूँ पतीला छोटा सा और इसमें बस जीरा सरसों डालूंगी मैं तो कुछ डालती नहीं दाल में माही नहीं खाती है इसलिए
बस जीरा सरसों और मिर्च का चौक लगा रही हूँ और तैयार हो गई हमारी दाल। सिंपल वाली दाल बनाती हूँ मैं, प्याज व्याज डालने से मैं नहीं खाती है। और तैयार हो गया चावल दाल सब्जी सब और आलू को जो मैं उबाली हूँ दाल के साथ, उसका भरता बनाना बाकी है तो खाने के वक्त बनाऊँगी मैं। उसमें प्याज डलेगा तो पहले से बनाने से प्याज में स्मेल आ जाता है, इसलिए मैं खाने के वक्त भरता को बनाऊँगी और फिर खाना परोसूँगी। चलिए थोड़ी देर बैठते हैं, वीडियो का एडिटिंग करते हैं। और एडिटिंग ख़त्म हो चुका, अब मैं बना लूँगी आलू का भरता, फिर सबको देना है खाना। तो निकाल ली हूँ मैं नींबू मिर्च सरसों का तेल और एक टू प्याज को काट लूँगी। और इस तरह का भरता जब भी आप बनाएं तो तुरंत बनाएं और खाएं। आलू का भरता अब मैं खाना परोसने वाली हूँ मेरी सासू माँ को। तो देखिए मैं ले आई हूँ उबाला हुआ आलू, नींबू और प्याज और मिर्ची। तो चलो बनाती हूँ, कैसे बनाती हूँ मैं आलू का भरता दिखाऊंगी। देखिए नींबू का टुकड़ा और काटी प्याज, पहले निकाल लेंगे इसके बीज और देखते इसमें डाल देंगे नमक। और हरी भरी मिर्च प्याज नींबू और आलू में नमक डाला हुआ है और इसमें डाल देंगे नींबू को, और हमारा खाना तैयार हो चुका था। आलू का भरता भी बन गया, मेरी सासू माँ को भी देख के आ गई है खाना, वो भी इधर खा रही है, इधर मेरी बेटियाँ भी खा लेंगी। Thank you.
मेरी सासू माँ को डबल देके आ गई जो उनको चाहिए था, और हम लोग अब खा लेंगे। देखिए ये दोनों तो खा ही रहे हैं और मैं बची, अब उसके पापा तो नहीं हैं। तो चलिए आज का डिनर रूटीन ख़त्म हुआ, अब बर्तन वर्तन धोएंगे, उसके बाद फिर वीडियो अपलोड करेंगे। और इसी तरह का रहता है मेरी डेली का रूटीन। तो ये है 12 बजे का खाना होना था, और उसके बाद नाइट वाला रूटीन फिर बनाएंगे। तो चलिए यहीं पर वीडियो को एंड करती हूँ। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। फिर मिलेंगे नए नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।